व्यक्ति को विरासत में गद्दी मिल सकती है, हुनर नहीं। लेकिन जब किस्मत आपके साथ हो तो विरासत के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। फिर चाहे समाज हो या खेल का मैदान, किस्मत व्यक्ति को शीर्ष तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। क्रिकेट के मैदान में किसी खिलाड़ी के लिए शीर्ष होता है अपने देश का प्रतिनिधित्व करना। सीने पर तिरंगा और शरीर पर नीला रंग एक अतुलनीय ऊर्जा का संचार करता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनके नसीब को मानो ग्रहण लग गया हो और वो निरंतर मेहनत के बाद भी भारतीय क्रिकेट टीम में स्थान नहीं प्राप्त कर पाए। तो दूसरी ओर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्हें कम प्रतिभा के बाद भी किस्मत का साथ मिला। किस्मत का दामन थाम कर ये खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंच गए। लेकिन किस्मत के बूते कोई करियर लंबा नहीं चल सकता है। ये खिलाड़ी विश्व क्रिकेट का दबाव नहीं झेल पाए और फ्लॉप साबित हुए, या यूं कहें कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम में जगह के लायक ही नहीं थे। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उन 5 खिलाड़ियों पर जिनमें प्रतिभा तो थी लेकिन उतनी नहीं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंच पाए। फिर भी किस्मत ने उन्हें पूर्व भारतीय खिलाड़ी कहलाने का गौरव दे दिया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है लक्ष्मी रतन शुक्ला। दाएं हाथ के ऑलराउंडर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने अपने बल्ले और गेंद के साथ रणजी सत्र 1998-99 में पश्चिम बंगाल की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन के साथ सबको अपनी ओर आकर्षित किया। उस दौर में भारतीय चयनकर्ता एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की तलाश भी कर रहे थे। लक्ष्मी को सबसे होनहार क्रिकेटरों में से एक माना जा रहा था। शुक्ला ने 3 मार्च 1999 को अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया, लेकिन शुक्ला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी घरेलू सर्किट की फॉर्म को दोहराने में नाकाम रहे। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने 3 एक दिवसीय मैच खेले जिसमें इन्होंने केवल 9 की औसत से 18 रन बनाए और मात्र 1 विकेट प्राप्त किया। उन्हें टीम में चोटिल आशीष नेहरा के स्थान पर युवा तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में चुना गया था। शुक्ला बल्ले और गेंद के साथ सफल प्रदर्शन देने में विफल रहे। उस दौर के अखबारों की माने तो लक्ष्मी रतन शुक्ला अभिजात खिलाड़ियों के समूह के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव लेने में असमर्थ रहे। शुक्ला ने अगले 16 साल तक घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा, लेकिन मुड़कर भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए। साल 2015 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद लक्ष्मी रतन शुक्ला पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और स्टेट्स स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज मिनिस्टर के रूप में बेहद कामयाब भी रहे। लेकिन यह कोई रहस्य नहीं है कि टीम इंडिया के लिए खेलते वक्त दबाव बहुत अधिक होता है। यदि कोई खिलाड़ी इस दबाव से पार पाने में असमर्थ है तो वो भारतीय टीम में जगह का हकदार नहीं है। इस कड़ी में अगला नाम है रोहन गावस्कर। पूर्व भारतीय बल्लेबाज रोहन गावस्कर का सबसे बड़ा परिचय है कि वो महान भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर के बेटे हैं। रोहन बाएं हाथ के मध्यम क्रम बल्लेबाज होने के साथ साथ एक काम चलाऊ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज भी थे। रोहन साल 1996 से घरेलू क्रिकेट का हिस्सा थे, लेकिन घरेलू सर्किट में एक खास छाप छोड़ने में नाकाम रहने के बाद भी रोहन गावस्कर ने साल 2004 में जनवरी से सितंबर माह के बीच 11 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। इन 11 मैचों में रोहन ने 18.87 की बेहद खराब औसत से मात्र 151 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर सिर्फ 54 रन था। भारतीय टीम से ड्रॉप होने के बाद रोहन घरेलू क्रिकेट से जुड़े रहे। 2007 में ICL का हिस्सा बनने के बाद वो भारतीय चयनकर्ताओं के रडार से बाहर हो गए थे। फिर 2009 में उन 71 खिलाड़ियों में शामिल हुए जिन्हें भारतीय चयनकर्ताओं ने वापसी की औपचारिक अनुमति दे दी थी। घरेलू सर्किट में वापसी करते ही 34 वर्षीय रोहन गावस्कर का IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में चयनित होना किसी को समझ नहीं आया। साल 2012 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रोहन बतौर कमेंटेटर अभी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन IPL में हुए उनके चयन ने इस बात पर मोहर लगा दी थी कि उनके जीवन पर किस्मत कुछ खास मेहरबान रही। इस लिस्ट में अगला नाम है स्टुअर्ट बिन्नी। 36 वर्षीय दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की कहानी भी रोहन गावस्कर के समान ही है। स्टुअर्ट बिन्नी मशहूर भारतीय टेस्ट क्रिकेटर रॉजर बिन्नी के बेटे हैं। ये साल 2003 से ही कर्नाटक टीम की ओर से रणजी ट्रॉफी में खेल रहे थे। औसत प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे। बेहतर अवसरों की तलाश में वो भी ICL से जुड़ गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा ICL को अनुमति न मिलने के बाद वो फिर से भारतीय क्रिकेट की मुख्य धारा में आने का इंतजार करने लगे। साल 2009 में रोहन गावस्कर के साथ स्टुअर्ट बिन्नी का नाम भी वापसी कर रहे 71 खिलाड़ियों में था। स्टुअर्ट घरेलू क्रिकेट में लगातार खेलते रहे। कपिल देव के बाद तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर का सूखा खत्म होने की उम्मीद के साथ साल 2014 में चयनकर्ताओं ने बिन्नी को भारतीय टीम में शामिल किया। 2014 से 2016 के बीच बिन्नी ने 6 टेस्ट, 14 एक दिवसीय और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। बिन्नी ने 23 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 459 रन बनाए हैं और 24 विकेट भी प्राप्त किए हैं। स्टुअर्ट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में औसत प्रदर्शन के बाद भी 2015 विश्व कप टीम की हिस्सा होने की वजह उनके पिता रॉजर बिन्नी का चयन समिति में होना माना गया था। फिलहाल स्टुअर्ट बिन्नी नागालैंड की ओर से रणजी ट्रॉफी में भाग ले रहे हैं और राष्ट्रीय टीम में वापसी की कवायद में लगे हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है परविंदर रवाना। दिल्ली रणजी टीम के इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज पर भी किस्मत की मेहरबानी प्रतिभा से अधिक रही। रवाना ने 2007 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ दिल्ली के लिए पहला प्रथम श्रेणी मैच खेला।
था। उन्होंने उस सीजन में 5 मैच खेले और 12 विकेट अपने नाम किए। अमाना ने अगले सत्र में सबको प्रभावित करते हुए 7 मैचों में 24 की औसत से 28 विकेट हासिल किए, लेकिन अगले ही सत्र में खराब प्रदर्शन के कारण रणजी टीम से ड्रॉप हो गए। हालांकि 2011-12 रणजी सत्र में वापसी करते हुए उन्होंने 25 की औसत से सिर्फ 7 मैचों में 35 विकेट प्राप्त किए थे। अमाना के इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने साथ जोड़ लिया था। आईपीएल में औसत प्रदर्शन के बावजूद अमाना को 20 दिसंबर 2012 के दिन भारतीय T20 कैप पहनने का मौका मिला। मेहनत और किस्मत के साथ अमाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंच गए। अगले 2 T20 मैचों में अमाना ने बिना कोई विकेट लिए 11.83 की इकॉनमी से रन लुटाए। इस खराब प्रदर्शन के बाद अमाना फिर कभी भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए और अंत में साल 2018 के मध्य में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। अमाना का प्रदर्शन भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का न रहा हो, लेकिन उन्हें पूर्व भारतीय खिलाड़ी होने का वो गौरव हासिल हो गया जिसके लिए कुछ प्रतिभाएं बस इंतजार में हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम है योगराज सिंह। पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह भी इस सूची का हिस्सा हैं। इस बात पर कोई संदेह नहीं कि युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हैं। लेकिन उनके पिता योगराज सिंह की तस्वीर उनके विपरीत दिखाई देती है। योगराज सिंह ने साल 1980 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच से अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज किया। योगराज सिंह को 6 साल के लंबे क्रिकेट करियर के दौरान 6 एक दिवसीय और एक टेस्ट खेलने का सम्मान मिला, जिसमें उन्होंने मात्र 11 रन बनाए और केवल 5 विकेट हासिल किए। योगराज सिंह ने 30 प्रथम श्रेणी मैच में मात्र 349 रन बनाए और 66 विकेट हासिल किए। पंजाब में जन्मे इस ऑलराउंडर ने अपने पूरे पेशेवर करियर में एक भी अर्धशतक नहीं बनाया। इस औसत घरेलू रिकॉर्ड के बाद भी उन्हें भारतीय टीम की वो जर्सी मिल जाना समझ से परे है जिसके लिए करोड़ों क्रिकेटर अथक परिश्रम करते हैं। फिलहाल योगराज सिंह पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है और उनका होना पिक्चर के हिट होने की गारंटी है। उनके क्रिकेट करियर को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो कामयाब शख्सियत जरूर हैं, लेकिन कामयाब क्रिकेटर नहीं। दोस्तों, आखिर में हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य इन क्रिकेटरों की प्रतिभा पर सवाल खड़ा करना नहीं है। नारा टीवी इन खिलाड़ियों की मेहनत का सम्मान करता है। हमने बस उस दौर के अन्य खिलाड़ियों और आंकड़ों के आधार पर यह सूची तैयार की है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।